तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये बूट पे है कि अपने कंप्यूटर को कैसे बूट कराएं और जो बूट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बूट की। ठीक, तो जो बूट होगा वो दो तरीके के होते हैं, पहला सिंगल बूट होता है और दूसरा मल्टीपल बूट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सिंगल बूट की। तो जो सिंगल बूट होता है उसमें क्या होता है, आप एक बार में एक ही ISO फाइल को सेलेक्ट करके अपने कंप्यूटर को बूट कराते हैं। और जो मल्टीपल बूट होता है उसमें क्या होता है कि आप एक बार में मल्टीपल जो ISO फाइल होती है उसको सेलेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर में लगा के बूट करा सकते हैं, लेकिन एक बार में आपका जो कंप्यूटर है एक ही ISO फाइल को रन करेगा। अब चाहे वो 64 बिट की हो या 32 बिट की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है, पहले मल्टीपल बूट पे और दूसरा सिंगल बूट पे। तो पहले आपको मल्टीपल बूट की वीडियो मिल जाएगी और दूसरी उसके बाद सिंगल बूट पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैंने पूरा एक एक चीज डिटेल में बताई है, और जो लिंक है सारे ऐप के और ISO फाइल के सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को डाउनलोड करना है वेंटॉय ऐप। तो वेंटॉय ऐप हम लोग डाउनलोड करने के लिए चलेंगे क्रोम पे। क्रोम का हम लोग ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे वेंटॉय ऐप। तो ये देखिए मेरा नीचे ही पड़ा हुआ है वेंटॉय ऐप, इस पे आप लोग आ जाएंगे और सामने सबसे ऊपर जो लिंक आएगा आप उस पे आ जाइएगा। इसको ओपन होते ही सबसे पहले जो सामने इंटरफेस आएगा, देखिए जैसे कि ये इंटरफेस आ चुका है, सबसे ऊपर ही लिख के आ रहा है वेंटॉय 1.0.36 विंडोज जिप। आपको इस पे चले जाना है और दूसरा साइट ओपन होगी, आपको बस इस पे आना है और नीचे आएगा, नीचे देखिए एसेट्स लिखा हुआ है, एसेट्स में थर्ड नंबर का आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये विंडोज के लिए चाहिए हमको, तो ये विंडोज जिप ये आएगा थर्ड नंबर पे, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जैसा कि ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको पॉज कर दूंगा, ठीक है वो मैं बाद में बंद कर दूंगा अपना जो भी आएगा, और फिर हम लोग कर लेंगे इसको बैक। ठीक, सॉरी कहीं और चला गया मैं। हाँ, और फिर खोल लेंगे हम लोग अपना फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के डाउनलोड्स पे आ जाएंगे, डाउनलोड्स के में आपका ऐसे ही वेंटॉय ऐप शो कर जाएगा। फिर हम लोग को इस पे करना क्या है, राइट क्लिक कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर फाइल कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर करने से क्या होगा, जो आपकी फाइल होगी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि ये अभी जिप फाइल में है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपकी फाइल कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन ये मैंने अपनी पहले से करके रख चुका हूँ तो इस वजह से। तो दोस्तों अब ये जो मेरा वेंटॉय ऐप है ये मैंने अपने पहले ही दिस पीसी में, मैंने जो अपना है एप्स में मैंने डाल दिया था। ठीक है, सॉरी एप्स में नहीं, मैंने एफ उसमें डाला था फाइल में। ठीक है, तो देखिए मेरा ये यहाँ पे ये पड़ा हुआ है वेंटॉय ऐप। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको उठाना है और इसको खोल देंगे, और देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा ये वेंटॉय 2 डिस्क। ठीक है, यहाँ इसके सामने एप्लीकेशन भी लिखी हुई है, मतलब ये एप्लीकेशन है हमारी, इसको ओपन करेंगे और इसको रन कर देना है, और इस सामने आपके कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको जो फाइल सेलेक्ट करनी है अभी, जैसे कि जो आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है या आप जो लगाएंगे, ठीक वो जितने उसकी होगी GB की होगी वो अपने आप ले लेगा, अगर नहीं लेता है तो यहां से आप रिफ्रेश कर लीजिएगा तो वो सेलेक्ट कर लेगा, और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इंस्टॉल दबा देंगे और यस कर देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारी पेन ड्राइव है ये अपने आप बूटेबल बननी शुरू हो जाएगी। ठीक, और जैसे ये बूटेबल होती है मैं आपको पूरा प्रोसीजर आगे के दिखा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो पेन ड्राइव हमारी बूटेबल हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कैंसिल। ठीक, और इसको भी बैक। तो दोस्तों आप लोगों की जब पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी होगी, ठीक है, तो कैसी दिखेगी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं फाइल मैनेजर में। ठीक है, अब दिस पीसी, और ये देखिए ये वेंटॉय, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है वेंटॉय डी, ये मेरी पेन ड्राइव है, यानी कि ये जो है ये बूटेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें डालनी है हम लोग को ISO फाइल। ठीक है, तो जो ISO फाइल है वो हम लोग को मिलेगी उसपे क्या कहते हैं विंडोज की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं पे मिलेगी। ठीक है, और आप लोग डाउनलोड भी वहीं पे करिएगा क्योंकि अगर दूसरे कहीं वेबसाइट से करते हैं तो बहुत सारे मालवेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ओरिजिनल वेबसाइट की, आप लोग वहीं से डाउनलोड करना। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं जहां पे मैंने डाउनलोड करके रखी है फाइल। ठीक है, तो ये मेरी दो फाइल है। ठीक है, हम लोग को मल्टीपल बनानी है तो इस वजह से मैंने दो ही चूज करी है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, दिस पीसी में जाके सीधे वेंटॉय जो आपकी बनी है उसी में जाके आपको पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये मेरी पेस्ट हो रही है, अब जितना भी टाइम लगेगा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड।
तो दोस्तों हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बनके तैयार है। देखिए ये दोनों ISO फाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं बैग जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए वेंटॉय डी, देखिए पहले ये खाली दिख रही होगी, अब देखिए ये भर गई है, ठीक है। और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए इसके अंदर मेरी एक विंडोज 10 की ISO पड़ी है और एक विंडोज 7 की है। तो ये जो ऊपर वाली है ये 64 बिट की है और नीचे वाली 32 बिट की है, ठीक है। तो ये मल्टीपल बूट बन चुकी है। तो दोस्तों अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के बाहर। और तो दोस्तों ये जो हमारी है ये हम आ गए हैं बूट प्रायोरिटी पे, ठीक है। अब हम जाते हैं बूट पे। तो जैसा कि अब यहाँ पे अब आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये मैंने अपना सिलेक्शन पहले से यहाँ पे मैं चला जाऊंगा अपनी हार्ड ड्राइव जो है, मेरे पे विंडोज 10 सेव है, ठीक है। इस वजह से मैं अपना इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे बूट ऑप्शन में मैंने इसको यहाँ पे लगा के डिसेबल्ड कर दिया, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाने के लिए अगर मैं कर दूं तो मेरी विंडोज चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीचे डिसेबल कर दिया। नहीं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे ये देखिए P4 साटा दिखा रहा है, आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक। आप ये सिलेक्ट कर लोगे बस, और फिर क्या करना है, ESC एस्केप से आप बैक कर दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद बूट प्रायोरिटी अपनी जो वो रहेगी आपकी पेन ड्राइव वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एंटर दबाएंगे और जो आपकी बूट जो आपकी पेन ड्राइव होगी उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको लिख के आ जाएगा, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे देखिए, मेरा मैंने डिसेबल कर दिया है, बताया था BSS, इस वजह से नीचे मेरा यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, F10 दबाएंगे और सेव। हाँ तो दोस्तों जब आप लोग अपना कहते हैं F10 दबा के सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे दो फाइलें दिखा रहा है, ये ऊपर दिखा रहा है विंडोज 10 की जो कि 64 बिट है और ये विंडोज 7 की जो कि 32 बिट है, ठीक है। अब मेरा कंप्यूटर चलता है 64 बिट पे, तो मैं 64 बिट को ये ऊपर वाली इसको मैं सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया और देखिए ये मेरा जो कंप्यूटर है वो बूट कर रहा है, ठीक। अब ये जो वीडियो है इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, या देखिए ऐसे ही आपको पूरा प्रोसेसर दिखाऊंगा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो से, और अगर आप लोगों को चैनल इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, ठीक है, एंड हिट द लाइक बटन। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट होगा क्योंकि बूट प्रोसेसिंग लंबी होती है, ठीक है। तो मैं जरा सी भी वीडियो जो है स्किप नहीं करूंगा, ना ही फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। तो देखिए नीचे अब सब कुछ आने लगा। तो देखिए ये देखिए अब हमारा जैसे विंडोज बूट होती है पूरी स्टार्टिंग में सब कुछ मांगेगा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मेरा जो पहले का जो विंडोज पड़ी है वो चली जाएगी, ठीक है। तो मैं अब इसको कैंसिल करके आप लोगों को जैसे विंडोज इंस्टॉल होती है, आप लोगों को आई होप कि विंडोज इंस्टॉल करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ उसमें कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक। तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ और आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को मल्टीपल बूट करना सिखा दिया, अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि सिंगल बूट कैसे करा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में, ठीक। और ये दिस PC, ये देखिए ये है मेरी USB ड्राइव, ठीक है, ये मेरी पेन ड्राइव है। तो अब इसको हम लोग को फॉर्मेट मारना है सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो पूरी पेन ड्राइव है वो खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मेट मार देता हूँ। देखिए एक बार मेरी पहले से ही फॉर्मेट थी, लेकिन दोबारा से फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक। और ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गई। अब हम लोग का चाहिए क्या, रूफूस ऐप चाहिए, तो रूफूस ऐप ये रहा, ठीक। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इसको, ठीक, यस कर देंगे और ऐसा पूरा आप लोगों को ये अंदर से दिखेगा, ठीक। सबसे ऊपर बात कर लेते हैं डिवाइस की, ठीक। तो मेरी डिवाइस अभी सेलेक्ट नहीं है, तो सॉरी नो लेबल, मेरी जो डिवाइस है उसका कोई नाम नहीं है, तो इस वजह से ये नो लेबल दिखा रहा है, नो लेबल डी ड्राइव, ठीक है। ये मेरी 32 GB की है पेन ड्राइव, तो ये मेरी सेलेक्ट है। अब बात कर लेते हैं ISO की, ठीक। ISO कहाँ पड़ती है, तो देखिए इसके जस्ट नीचे बूट सिलेक्शन है, ठीक। तो आपकी जहां पर भी ISO पड़ी हुई है वहां पे जाके आप बस ऐसे करके सेलेक्ट कर देना है। ये मेरी विंडोज 10 की फाइल है ISO फाइल, और इसको ओपन कर देना है तो ये बूट ले लेगा, ठीक। अब नीचे ये, अब इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बस अब आपको क्या है, यहाँ पे ये GPT आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। अब ये जो है ये आप लोगों के कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि ये आपका कंप्यूटर GPT पे चलता है या MBR पे चलता है। तो मेरा MBR पे है, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कंप्यूटर किस पे चलता है, तो मेरा MBR पे चलता है, मैं MBR सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए अब आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको सिंपल ये यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक। और ये फिर से फॉर्मेट के लिए पूछे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर खुद से भी ये बार फॉर्मेट मारता है आपकी पेन ड्राइव को, तो फॉर्मेट कर देंगे, ठीक। और ये देखिए ये जो है ये अब धीरे धीरे करके जितना भी डेटा होगा वो सब आपकी पेन ड्राइव में डालेगा, ठीक। तो उसमें अब लगने वाला है टाइम, ठीक है। तो अब आप लोग वीडियो
तो दोस्तों हमारा ये सब कुछ पूरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कैंसिल और मैं जाऊंगा दिस पीसी पे, ठीक है। अभी मेरी जो पेन ड्राइव है वो शो नहीं करेगी, बूटेबल नहीं दिखाएगी, क्योंकि मैंने अभी उसको निकाला नहीं है। जब आप निकाल के दोबारा लगाएंगे अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी में, तब वो शो करेगी। ऊपर ग्रीन कलर का एरो बन जाता है आपकी पेन ड्राइव के ऊपर, ठीक है। अभी मैं निकाल के लगाता हूँ, तब आप लोग देखिएगा। साइड में मेरा अभी नोटिफिकेशन पॉप अप होगा, देखिए नोटिफिकेशन आ गया है। अब मैं जाऊंगा अपने फाइल मैनेजर में, ठीक है, और तब आप लोग देखिएगा। ये मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में और ये देखिए, अब देखिए ऊपर मेरे उस पे पेन ड्राइव पे ग्रीन कलर का एरो शो हो रहा है, मतलब कि मेरी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को जाना है अपने बूट प्रायोरिटी ओपन करके, ठीक है। जैसा आप लोग बूट करते हैं वैसे आप लोग बूट कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए।